सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप टीम इंडिया की जीत की खुशी में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप के मैच में भारतीय टीम के पराक्रम के सामने पाकिस्तान टीम टिक नहीं पाई और भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में 8 विकेट से पटखनी दे दी। भारत की इस जीत में उसकी गेंदबाजी का बड़ा योगदान रहा। भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे, वहीं केदार जाधव ने भी 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट हासिल किए। मैच के बाद सरफराज अहमद ने कहा कि उनकी टीम ने इस मैच में खेल के किसी भी विभाग में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को अगर हम छोड़ दें तो सभी बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट बनवाए। बाबा आजम को जरूर एक अच्छी बॉल पर आउट किया गया। जब सरफराज से पूछा गया कि भारतीय स्पिनरों के खिलाफ उनकी क्या रणनीति थी, क्या उन्होंने तैयारी नहीं की थी, इस पर सरफराज ने जवाब दिया कि हमने चहलौत कुलदीप यादव के लिए तैयारी की थी, लेकिन केदार जाधव आकर विकेट ले गए। जाधव ने अपनी बॉलिंग से चौंकाया। इस मैच में केदार जाधव ने 3 विकेट लिए और पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया एशिया कप जीतने में कामयाब होगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।